आगे बढ़ते हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज जिस पर रहेगी सबकी नजर, आज संसद में पेश होगा सालाना बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट, पेपरलेस होगा इस बार का बजट। मिडिल क्लास को राहत दे सकती है वित्त मंत्री, निवेश को बढ़ाने और शेयर बाजार पर हो सकते हैं कई ऐलान। तो आज आप देखिए पूरा देश, हर वर्ग के लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ, बहुत ही उम्मीदों के साथ, क्योंकि आज संसद में पेश होगा सालाना बजट। देखना होगा कितनी राहत और कितने तोहफे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री लेकर आती हैं लोगों के लिए, क्योंकि आज बजट पेश करेंगी, पेपरलेस होगा इस बार का ये बजट। इसे खास कहा जा सकता है क्योंकि आम चुनाव जो होने हैं अगले साल 2024 में जो चुनाव होने हैं उससे पहले का ये बजट आप देखिए बहुत खास कहा जा सकता है। मिडिल क्लास को राहत दे सकती है वित्त मंत्री, निवेश को बढ़ाने और शेयर बाजार पर भी हो सकते हैं कई ऐलान। अर्थव्यवस्था को किस तरह से पटरी पर लाया जाए इसे लेकर भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं और ऐलान किए जा सकते हैं। साथ ही आप देखिए जो सैलरीड क्लास है वो खास तौर पर वित्त मंत्री की तरफ बहुत ही उम्मीदों के साथ देख रही है कि टैक्स में वो छूट चाहती है। सैलरीड क्लास महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, उनका कहना यह है कि किचन का बजट गड़बड़ा गया है, हर चीज महंगी हो रही है, तो क्या महंगाई कुछ हद तक कम हो सकती है? आज पता चलेगा जब संसद में पेश होगा सालाना बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट, पेपरलेस ये बजट होगा इस बार का ये बजट, बहुत ही खास, मिडिल क्लास को राहत दे सकती है। हालांकि हर वर्ग के लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ। सैयद आमिर हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सैयद आमिर, बहुत ही खास आज का दिन है और हर वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो हर वर्ग के लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं उस समय का जब उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कुछ ना कुछ खास जाहिर तौर पर इस बजट में होगा। किस तरह की उम्मीद लगाई जा सकती है इस बजट से? देखिए, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है इस बार, क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि 2024 में चुनाव भी हैं, सरकार चुनाव की तरफ भी बढ़ रही है और ये एक पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है ऐसा माना जा रहा है। अर्थशास्त्री ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो है आम जनता को और खासतौर पर सैलरीड क्लास को बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको बताएं कि इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, जिस तरह से सूत्र हमारे बता रहे हैं, 4-5 पॉइंट पे आपको बताता हूँ जो सीधे आम जनता की पॉकेट से जुड़े हुए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है, पहला ये। दूसरा ये कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। अभी 2.5 लाख जो 0-0 है, दो स्लैब चल रहा है, दो सिस्टम चल रहा है अभी इस समय, पुराना रिजिम है और नया रिजिम है, जिसमें अभी 2.5 लाख तक 0-0 है, मतलब कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन उसके ऊपर आप जाते हैं तो 5% तक आपको टैक्स चुकाना पड़ता है, उसमें आपको छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है, 3.5 लाख तक इसको किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बताएं कि तमाम निवेश के रास्ते सरकार जो है खोलने के साथ में उसमें निवेश के जो दायरे है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 1.5 लाख से 2.5 लाख तक निवेश में छूट मिल सकती है। घर खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि उसमें भी टैक्स की छूट की सीमा बढ़ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जो इस बार के बजट में सरकार ले सकती है। और खास बात यह है कि इस बार का बजट जो है वो योजनाएं जो सरकार चला रही है उसमें सरकार खर्च बढ़ाएगी एक तरह से, यानी कि उसमें लाभ मिलने वाला है। वो गरीब जनता जिसको अभी तक सरकार तमाम सुविधाएं दे रही थी, चाहे वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हो, चाहे दूसरी योजनाओं के अंतर्गत सरकार योजना के तौर पर सीधे डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को दे रही थी, किसानों को बेनिफिट दे रही थी, उसमें भी पैसा बढ़ सकता है ऐसा अभी जानकार बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सूत्रों से ये हवाले से खबरें आ रही है। देखना ये होगा कि निर्मला सीतारमण इस बार क्या अपने पिटारे निकालती है। 9 बजे जो है वित्त मंत्रालय के बाहर निर्मला सीतारमण अपने बजट के साथ, यानी कि टैबलेट के साथ बाहर निकलेंगी अपने तमाम अधिकारियों और वित्त राज्य मंत्रियों के साथ में, और सीधे 10 बजे जो है पार्लियामेंट जाएंगी। उससे पहले वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और उसके बाद 10 बजे पार्लियामेंट जाएंगी, 11 बजे जो है बजट टेबल कर दिया जाएगा। जी चलिए, आपसे हम पल पल का अपडेट आमिर लेते रहेंगे, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं क्योंकि अगले साल देखिए 2024 में जो चुनाव होने हैं उससे पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर लोक लुभावन तोहफे लेकर आए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, और आज जाहिर तौर पर लोगों को लुभाने की कोशिश भी की जा सकती है और उम्मीद हर कोई कर रहा है। हालांकि इंतजार उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं करना होगा, कुछ ही देर का इंतजार जब बजट पेश होगा। पल पल का अपडेट अपने दर्शकों को हम देते रहेंगे।